हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करने वाले हैं, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी जो आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, आपको पता चल पाएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए जेमिनी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। ओम नमः शिवाय। जेमिनी जिनके साथ डील कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स जेमिनी के लिए क्या है? ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वांड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, देखिए जेमिनी, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक ट्रैवल बहुत इम्पोर्टेंट देख रही हूँ। या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, लेकिन यस, आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है आपको लेकर के, फिज़िकल अट्रैक्शन लग रहा है, कोई सीरियस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये बता रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ एक अट्रैक्शन है, जस्ट एक अट्रैक्शन, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लेकिन वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक मैसेज लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने आपको लेकर के कोई एक डिसीज़न लिया है, उस डिसीज़न को लेने के लिए वो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वो डिसीज़न ले लिया है और बहुत ही जल्द वो आपकी तरफ कोई एक मैसेज लेकर के आ रहे हैं। और मे बी वो कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कहीं दूर जा रहे हों, ठीक है, ये भी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो और जिसको वो फेस कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो कहीं मूव हो रहे हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसी भी कोई सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों के केस में। और अगर मैं उनकी सिचुएशन की प्रेजेंट की बात करूं, देखिए जेमिनी, आपका नहीं मुझे पता, अभी तो आपकी मैं एनर्जीज निकालूंगी आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत हैप्पी हैं अपनी दुनिया में, ठीक है, बहुत खुश हैं अपने परिवार में और हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जिनकी भी एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ, कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो माय डियर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थर्ड पार्टी आप नज़र आ रहे हो, ठीक है, और आपके पार्टनर अगर आपको ऐसा कुछ कहते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ खुश नहीं है, अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है, तो माय डियर वो सब झूठ है, आपके प्रति वो सीरियस ही नहीं है, वो आपको एक एज अ ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आप बस, आपको आपके अंदर उनको अट्रैक्शन नज़र आता है, फिज़िकल अपीयरेंस आपकी अच्छी हो सकती है,
आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है वो, अदरवाइज़ वो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में बहुत खुश हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको, आपके प्रति अगर मैं उनकी सोच की बात करूँ, वो एक एज अ थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपको लेकर के चल रहे हैं। और जस्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नीड जुड़ी हुई है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, अभी जिनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है आप लोग इसे छोड़ सकते हैं यहीं पर ही, ठीक है। जिनसे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की भी स्पेसिफिक या पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग ना कमेंट बॉक्स में बेकार की बातें लिख देते हैं, हालांकि मैं पहले ही ये बात बोलती हूँ कि एक जर्नल रीडिंग है। आप लोगों में भी तो कॉमन सेंस है ना, उसे यूज़ कीजिए, कि ये कोई किसी की पर्सनल रीडिंग तो हो नहीं रही है, जर्नल रीडिंग है तो सभी के मैसेजेस आएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और अगर मैं आगे की भी बात करूं आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं, जामिना है, तो वो आपको एज अ थर्ड पर्सन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस क्या है, उनकी फैमिली, अपनी फैमिली को वो नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवार को वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ भी आगे बने रहना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना दो नाव में पैर रख के वो चलना चाहते हैं। लेकिन आपको एक एज अ ऑप्शन लेकर के चलेंगे वो आके, थर्ड एज अ थर्ड पर्सन आपको लेकर के आगे चलना चाहते हैं। आपके साथ कोई कमिटमेंट आपको नहीं देंगे वो कभी भी, लेकिन अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत है। आप एक टाइम पास की तरह अगर मैं बोलूँ तो वो एज आपको ले रहे हैं, कि ठीक है आप उस तरीके से आप ठीक हो, अदरवाइज़ वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, ठीक है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए या कहीं और ट्रैवल उनका हो रहा हो, या कहीं वो शिफ्ट कर रहे हो, ये मैसेज हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है, कोई ना कोई मैसेज वो बताने वाले हैं आपको, कोई डिसीज़न उन्होंने लिया है वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर वो इसी तरह की क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपकी तरफ आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन आप उनकी लाइफ में या तो एज अ फ्रेंड बनकर रह सकते हो आगे भी, वो उनकी जो सोच है, उनकी जो आपके पार्टनर की सोच मैं आपको बता रही हूँ, कि वो आपको एज अ थर्ड पर्सन रख करके ही लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर आप एज अ फ्रेंड उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कभी भी वो एक, जिसे कहते हैं वो ओहदा या वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल सकती उनकी तरफ से, यहाँ जो उनकी एनर्जीज अभी अभी की जो बताई जा रही हैं, ठीक है। जेमिनी की फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए, ओम नमः शिवाय। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है, ओम नमः शिवाय। चैरियट, ओके, एम्परर, या ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप भी ना यहाँ पर आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मेरे लिए क्या सही है। यहाँ जो मैं देख रही हूँ, आप में से कुछ जेमिनी जो है, आपको अपना पता चल रहा है कि आपके लिए क्या सही है, और आप उसको फोकस बना करके आगे बढ़ रहे हो। हाईली चांसेस हैं यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ क्लैशेस होने, कम्युनिकेशन होने, गुड कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है ये मुझे किसी भी तरीके का, लड़ाइयाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आप भी यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप भी चाहते हो कि इस सिचुएशन से वॉकआउट किया जाए, इस सिचुएशन से बाहर आया जाए, क्योंकि आप अभी इस समय बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग
ये आपका खुद का डिसीज़न रहेगा और आप इस डिसीज़न को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि वो आपको दुखी भी करेगा, ऐसा नहीं है, आप अपने आप को अकेला भी फील करोगे और कहीं ना कहीं कोई सहारा भी ढूंढना चाहोगे आप यहाँ पर कि हाँ मुझे कोई सहारा मिल जाए, मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो माय डियर जेमिनाई, यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि जो आप लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट करते हो ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ जेमिनाई, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी ऊर्जा है, तो उस मोटिवेशंस को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए जो आप, क्योंकि यहाँ पर आप खुद बहुत मैच्योर हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं एज वाइज की बात नहीं कर रही हूँ कि एज वाइज, लेकिन आपको पता है कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो एक मैच्योरिटी है आपके अंदर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपना खुद का डिसीज़न खुद लेना है और आगे बढ़ना है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर आगे बढ़ने का, ठीक है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, यहाँ दिखाई दे रहा है मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत हों और आप इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रेवल बहुत बहुत स्पेसिफिक है, वर्ल्ड की ऊर्जा है, या आप भी यहाँ से कहीं दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हो, या ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या वो भी आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी ये स्पेसिफिकली ट्रैवल हो सकता है या आप फिज़िकली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत तो है, नई सिरे से नई शुरुआत करना आप चाहते हो जेमिनाई यहाँ पर। हो सकता है आप भी मैरिड हों, समझ रहे हैं, हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आप भी मैरिड हों, विडो भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए डेविल की ऊर्जा है, देखिए ये रिलेशनशिप ना जेमिनाई, ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है। अगेन बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट हो रही है वही लो, ठीक है, बाकी मत लीजिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी ही है, ठीक है, आप हो सकते हो, आप ही ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, या फिर वो सामने वाला पर्सन हो सकता है, जो भी है, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं माय डियर। तो डिवाइन भी ये बोल रहे हैं कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इससे आपको बाहर आना है। ये हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, इससे बाहर आने की आपको बहुत ज़रूरत है, ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपकी फ्रीडम को कंट्रोल कर रहा है। इसमें नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, एनी अदर मैसेज, अनलाइकली। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर के तो बिल्कुल भी किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। मैं एक मैसेज और लेना चाहूँगी, इफ़ यू बिलीव रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली यही चाहिए था मुझे, ठीक है। देखो ये ना, आप जिन भी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना अभी जेमिनाई, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, इन चीज़ों से आपको बाहर आने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई भी संभावना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी संभावना नहीं है, तो इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज है, जिसे मैंने क्लैरिफाई किया है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप एक साल में अपने आप को पूरी तरह से, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, अगर आप बिलीव करते हो डिवाइन पर, अगर आपको परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे वो भरोसा है, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एक साल के भीतर भीतर आपको अपनी लाइफ में वो चेंज आता हुआ दिखेगा, बस आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो एटीट्यूड है, ये आपको लाने की ज़रूरत है, अपनी उस पावर को ओपन करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। तो यस जेमिनाई, ये थी रीडिंग, होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।